अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ सीज़न की स्ट्रॉबेरी जो मार्केट में आई हुई है। स्ट्रॉबेरी की जैम मैं बनाने जा रही हूँ। ये देखें, बड़े आसान, सिर्फ दो चीज़ों के साथ ये बनी है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी और चीनी। स्ट्रॉबेरी हमने ली है 4 किलो और चीनी हमारे पास है 3 किलो। हम ये स्ट्रॉबेरी को इसी पतीले में, ये देखें, हमने अच्छी तरह धो के इनके ये साफ़ कर लिए थे पत्ते। अब मैं इसको देखचे में पलटने जा रही हूँ, ठीक है। अब ये देखने, इसको ऐसे हिला लेना है और चूल्हे पे हमने रख देना है इसे। ये देखिए, मैं चूल्हे पे रखने जा रही हूँ। मैंने नीचे चूल्हा जला दिया है और ये स्ट्रॉबेरी को रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दूंगी ज़रा 5 मिनट, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए, स्ट्रॉबेरी जो अपना पानी छोड़ना है वो छोड़े, फिर उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं। अब ये देखें गर्म हो गई है, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, इसको मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई कलर नहीं ऐड होना इसमें। ये इसका जेन्युइन जो अल्लाह ताला ने रंगत दी हुई है इस फल को, ये उसी का ही कुदरती रंग है, ठीक है। ये आपने चीनी इसमें देखें मिक्सअप होगी, उसने पानी छोड़ दिया, देख रहे हैं आप। और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, गली हुई सड़ी हुई जो स्ट्रॉबेरी है वो यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपकी जैम ख़राब हो सकती है। इसमें हम एक चुटकी भर नमक सिर्फ एंड पे मैं डालूँगी, अभी नहीं, कि इसकी खटास थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। ये अगर आपने इसको ज़रा खट्टी मीठी रखना है तो फिर 3 किलो चीनी ठीक है, और अगर आपने खट्टी खट्टी ज़रा मीठा फ्लेवर करना है तो फिर आप 4 किलो ही डाल लें। 4 किलो ना डालिएगा, ये ना हो फिर वो अजीब सी हो जाए। इसको आप साल भर फ्रिज में रखें, इसको कुछ नहीं होगा। रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ, ब्रेड पे जोश आया इसे। ये देखें, यकजा हुई है, देखें नरम सी होगी। अब इसे हम ग्राइंड करने जा रहे हैं, देखें। जब हम इसको ऐसे ग्राइंड करेंगे तो ये जो झाग झाग सी आई है ना, ये हमने हिलाते हिलाते उतारते जाना है, क्योंकि जैम जब बने तो झाग नहीं ऊपर आनी चाहिए, नहीं तो हमारी जैम ख़राब हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, ये देखें हमारी जैम रेडी हो चुकी है। ये देखें, देख रही हैं, ये हमारी जैम रेडी है। ये देखें, ये जो झाग एंड के पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी आ रही है, हमने साथ साथ उतारते जाना है, ये जो आ रही है, ठीक है। ये हमारी जैम में जानी नहीं चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगी हमारी जैम। आप हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।